नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम पांव से वस्तु की लंबाई नापने का सामान्य तरीका सीखेंगे। बच्चों, क्या तुम इस कक्षा की लंबाई नाप सकते हो? बाली शत से? नहीं, जो नाप लंबा होता है उसे हम अपने पांव से चलकर नाप सकते हैं। यदि हमें कक्षा की लंबाई नापनी है तो हम कैसे नापेंगे? 1, 2, 3। ज्ञाति, नाप लेते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारे पांव के बीच कोई अंतर ना हो और ना ही किसी जगह को दो बार नापना। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही। कक्षा की लंबाई 10 पांव है। सही उत्तर ज्ञाति। ज्ञाति, क्या अब तुम चौड़ाई नाप सकती हो? ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बच्चों, कक्षा की चौड़ाई कितनी है? 8 पांव। बच्चों, आइए देखते हैं इस चटाई की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5। चटाई की लंबाई 5 पांव है और चटाई की चौड़ाई 1, 2, 3, 4, यानी 4 पांव। बच्चों, अब आपकी बारी है। आप अपने कमरे की लंबाई व चौड़ाई नापे और उसे अपनी नोटबुक में लिखकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने पांव से किसी वस्तु को नापने का सामान्य तरीका सीखा।